नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब इस चर्चा का आज आपको बताएं तो आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे। एल्विश यादव इन दिनों जयपुर में हैं। हुआ यू कि देर रात 22 गोदाम के टाउन कॉफी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त खाना खा रहे एक लड़के से उनका विवाद शुरू हो गया। इसके चलते एल्विश ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। इसका एक वीडियो सामने आया है। विवाद के बाद एल्विश का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें एल्विश कह रहे हैं कि मुझे ना लड़ाई करने का शौक है ना हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखकर नॉर्मल चलता हूं, जो फोटो खिंचवाने को कहता है फोटो खिंचवाता हूं। तुम्हें दिख रहा है कि साथ में पुलिस भी चल रही है, कमांडो भी है, कुछ गलत कर दिया और पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई मुझे माँ बहन की गाली देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे गाली बकी तो मैंने थप्पड़ रख दिया। मैं अपने स्टाइल का हूँ। वो मुंह से बोलता है, हम मुंह से नहीं बोल पाते हैं भाई। एल्विश का कहना है कि लड़के की तरफ से भद्दे कमेंट पास किए जा रहे थे। वही टाउन कॉफी की टीम का भी कहना यही है कि एल्विश एक टेबल पर बैठे थे तो अन्य कस्टमर ने कुछ कमेंट पास किए जिस पर नाराज होकर एल्विश ने थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस मामले में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हुई है। इससे पहले एल्विश JLN मार्ग पर बने होराइजन टावर के पूनो एडवांस में पहुंचे थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर एल्विश ने अपने फैंस को इवेंट वाली जगह बुलाया था। एल्विश से मिलने के लिए उनके फैंस बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। इस दौरान GT पुलिया पर भारी जाम लग गया। एल्विश की कारों का काफिला गेट पर पहुंचा। एल्विश अचानक कार से उतरे, फिर अपने फैंस से मिलने के लिए सड़क पर निकल गए। यहां उन्होंने फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।